सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। सोनीपत के कोशिश दिव्यांग बच्चों के विशेष स्कूल में को रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी की बहनों ने दिव्यांग बच्चों को राखी बांधी और उन्हें उपहार स्वरूप चॉकलेट, पेंसिल, रबर, कटर आदि दिए। बच्चों को लजीज भोजन भी करवाया गया। इस आयोजन के दौरान बच्चों ने जमकर मौज मस्ती की। स्कूल की प्राचार्य ने ब्रह्म कुमारी बहनों को स्कूल के क्रियाकलापों की जानकारी दी और कहा कि इन बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है, हम सबको मिलकर इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की, बताया कि कोशिश दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास कर रहा है। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सोनीपत मॉडल टाउन से रामदेवी दीदी जो हमारे सेंटर के इंचार्ज हैं उनके यहाँ उनको निमंत्रण दिया गया था कोशिश स्कूल की तरफ से, जो कि दिव्यांग बच्चों का है। और उसमें ये स्पेशल समझाया जाता है या बताया जाता है कि हम नॉर्मल बच्चों को तो हम बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं, संभालते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन दिव्यांग बच्चों की तरफ होना चाहिए जो डिसेबल हैं, मेंटली डिसेबल हैं, या उनको कोई और फिजिकल बीमारी है। पेरेंट्स भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसे स्कूल्स या ऐसे टीचर्स या हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था इन सब की तरफ उनको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से पावरफुल बनाती है। और उनके लिए हमें स्पेशल समाज में कुछ एक अच्छा काम भी करना चाहिए, जिसे स्कूल के प्रिंसिपल सर भी कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे स्कूल हैं, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति है, सभी ऐसे दिव्यांग बच्चों की हेल्प करें, मदद करें, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दें।